इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपका ये जो प्रॉब्लम है डिस्ट्रैक्शन का, ये हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। हाय एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज शशि कुमार, कन्या परसों मैं फाइनल ईयर ऑफ एमबीबीएस। यार आज के इस वीडियो में एक सबसे बड़ी टॉपिक पे हम लोग बात कर रहे हैं, ये है डिस्ट्रैक्शन का। आज के जमाने में बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो इस चीज से ग्रसित है और बहुत सारे बच्चे का सपना इस वजह से पूरा नहीं हो पाता है क्योंकि पढ़ना तो वो चाहते हैं लेकिन फोकस्ड होकर पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है उसका प्रोडक्टिविटी बहुत कम हो जाता है। पढ़ते बहुत है लेकिन दिमाग में बहुत कम चीज रहता है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि उसका सबसे बड़ा रीजन है डिस्ट्रैक्शन। भैया हम ऐसा नहीं बोल सकते हैं, हम बिल्कुल ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि तुम फोन यूज करना बंद कर दो, क्योंकि आज सब कुछ ऑनलाइन हो चुका है। आपको ऑनलाइन लेक्चर मिल रहा है, आपको ऑनलाइन गाइडेंस मिल रहा है, सब कुछ ऑनलाइन, क्वेश्चन बैंक ऑनलाइन, मॉक टेस्ट हो रहा है, सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है। और इस जमाने में आके अगर आप ये सोच रहे हो कि भैया फोन को अपने से दूर कर देंगे तो हमारा डिस्ट्रैक्शन कम हो जाएगा, तो फिर भाई पढ़ाई कैसे करोगे? तो आज के इस वीडियो में हम लोग यही बात कर रहे होंगे कि भैया आखिर हम किस प्रकार से डिस्ट्रैक्शन को अवॉइड करें, डिस्ट्रैक्शन को कम कैसे करें। और जो सॉल्यूशन मैं आपको दे रहा हूँ, ऑनेस्टली बता रहा हूँ, ऐसा सॉल्यूशन कहीं आपको नहीं मिलेगा। मैं इस वीडियो के लास्ट में एक 10 डेज का चैलेंज भी दे रहा हूँ। आपको करना बस ये है कि इस चैलेंज को एक्सेप्ट करना और अगले 10 डेज तक इसको फॉलो करना, और आप अगले 10 डेज के बाद टॉपर की तरह बिहेव करने लगोगे। आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा यार कि अब कोई भी एग्जाम हम आराम से फोड़ सकते हैं क्योंकि मेरा माइंड पे अब सिर्फ मेरा कंट्रोल है। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपका ये जो प्रॉब्लम है डिस्ट्रैक्शन का, ये हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। यार पहले चीज मैं आपको ये बता रहा हूँ, मैंने पिछले 4-5 सालों से लाखों बच्चों को गाइड करा, बहुत सारे बच्चों को उसके ड्रीम कॉलेज में पहुंचाने में मदद करा, और मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ मेरा पूरा एक टीम है जो हर समय आपको गाइड करता है। तो भैया बहुत सारे बच्चों का हर रोज कुछ ना कुछ कंप्लेन रहता है और ये कंप्लेन सबसे मेजर लगा। फिर स्टार्ट करते इस वीडियो को, सबसे पहले हम ये जानेंगे आखिर तुम डिस्ट्रैक्ट हो कैसे जाते हो। मैं एक स्टूडेंट का स्टोरी बता रहा हूँ। एक स्टूडेंट था जो जिसने अपना स्टोरी मुझे शेयर किया था, उसका नाम था अमन। उसने क्या बोला कि भैया मैं जब पढ़ाई करता हूँ, ये हमारा स्टडी टेबल होता है, इसमें हम यहाँ पे बुक लेके बैठ के पढ़ते रहते हैं, हमें अगर कुछ डाउट होता है तो हम फोन से जाके सर्च कर लेते हैं। हमने बोला बहुत बढ़िया, ये तो बहुत अच्छा चीज है कि तुम डाउट को क्लियर कर लेते हो। लेकिन क्या होता है कि हुआ क्या कि एक उसको डाउट आया, डाउट आने के बाद उसने अपना फोन उठाया, ऐसे उसने अपना इस प्रकार से फोन उठाया, और फोन जब वो खोला तो उसको क्या दिखा कि सबसे ऊपर में 2 मैसेजेस थे, एक व्हाट्सएप का एक इंस्टाग्राम का। तो उसने अपना व्हाट्सएप खोला, व्हाट्सएप खोलने के बाद वो जो मैसेज था उसके एक दोस्त का था, उस दोस्त को वो रिप्लाई दिया, रिप्लाई देने के बाद उस दोस्त ने उसको फिर रिप्लाई दिया, और वो कन्वर्सेशन अगले 10 मिनट तक चला। ठीक है, अगले 10 मिनट तक चला, उसके बाद कन्वर्सेशन खत्म हुआ। फिर वो वापिस आया, देखा एक इंस्टाग्राम का मैसेज था, भैया एक इंस्टाग्राम का मैसेज था, उसको खोला, उसको खोलने के बाद देखा एक कमेंट था, उसको लाइक करके आ गए, फिर कुछ रील्स देखे, फिर अलग किसी कमेंट को लाइक किए। इसमें क्या हुआ कि उसका 20 मिनट वेस्ट हो गया भैया। अब हुआ क्या, टोटल 30 मिनट वेस्ट करने के बाद ये जो अमन था ना, अमन को होने लगा रिग्रेट। अमन को क्या होने लगा, रिग्रेट कि भैया ये जो अभी अगले 2 घंटे का स्लॉट बनाए थे पढ़ने का, उस 2 घंटे में आधा घंटा तो इसने वेस्ट कर दिया। अब इस रिग्रेट में क्या हुआ कि अगला जो डेढ़ घंटा वो पढ़ता वो भी उसका खराब हो गया। अब बोला कि भैया इस रिग्रेट के वजह से मैं अगले 1.5 घंटा भी कॉन्सेंट्रेट करके नहीं पढ़ पाया, जिसकी वजह से मेरा स्टडी का पूरा 2 घंटा खराब हो गया। और 30 मिनट के बाद इसको रियलाइज हुआ कि भैया मैं जिस चीज के लिए फोन उठाया था वो काम तो मैंने किया ही नहीं, मेरे को एक डाउट था, उस डाउट के लिए मैंने फोन उठाया था और उस डाउट को मैंने क्लियर किया ही नहीं। और पता है ये अमन कौन है? ये अमन आप हो, आप में से एक एक बच्चा यही हो, और यही मिस्टेक आप सब करते हो, जिसके वजह से क्या होता है धीरे धीरे आप इस लूप में हमेशा आ जाते हो। या डिस्ट्रैक्शन हमारे ऊपर इस प्रकार से हावी हो चुका है कि भैया अगर हमारे पास 5 मिनट भी फ्री का रहा ना तो हम उसमें फोन स्कॉल करने लगेंगे। और ये अमन एक एक बच्चा है, हर एक बच्चा इस प्रकार से खुद को डिस्ट्रैक्ट कर लेता है, खुद के माइंड पे अपना कंट्रोल खत्म कर देता है। मुझे ऑनेस्टली बताना कमेंट में, क्या तुम्हारे साथ भी ऐसा होता है कि तुम कुछ सर्च करने के लिए फोन उठाते हो, कुछ नॉलेजफुल बात जानने के लिए फोन उठाते हो, और तुम्हें पता ही नहीं चलता है कब तुम उस बात को छोड़ के बाकी सब बात को देख के आ गए और तुमने वो चीज पे फोकस ही नहीं करा। इस प्रॉब्लम को कैसे हम कट आउट करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, आगे की इस वीडियो को आराम से सुनना, मैं बता रहा हूँ। सबसे पहला डिस्ट्रैक्शन हमारा मेजर यही है भैया, फोन। इस वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको बता दिया कि हमारा एजुकेशन सिस्टम मैक्सिमम चीजें ऑनलाइन हो चुका है, तो हम फोन को तो हटा नहीं सकते भैया। डिस्ट्रैक्शन को कभी भी खत्म नहीं किया जाता है, डिस्ट्रैक्शन को कम किया जाता है। अगर आपको इस फोन से डिस्ट्रैक्शन है, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, अगर आपको इस फोन से डिस्ट्रैक्शन है तो भैया इस फोन को अपने पढ़ाई के समय साइड रखो,
जितना कम हो सके उतना कम अपने फोन को यूज करो। चार पॉइंट अभी आपको बताऊंगा, ध्यान से सुनना। ये फोन का डिस्ट्रक्शन हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारा खत्म हो जाएगा, तुम इसको बहुत प्रोडक्टिव वे में यूज करने लगोगे। ये जो फोन है ना, ये फोन हमारे लिए वरदान भी है और शैतान भी है। वरदान इस हिसाब से है कि यही फोन से हम बहुत कुछ सीखते भी है, लेकिन यार अगर तुम इस फोन को निगेटिव वे में यूज करते हो, कुछ गलत वीडियोज देखते हो, घंटों अपने दोस्तों के साथ टाइम बिताते हो, आलतू फालतू रील्स स्क्रॉल करते हो, तो भैया ये तुम्हारे लिए शैतान है। चार चीजें बता रहा हूँ फोन के डिस्ट्रक्शन को खत्म करने के लिए, ध्यान से सुना। सबसे पहला, मॉर्निंग डोज को आपको खत्म करना पड़ेगा। बहुत बार ऐसा होता ना, हम लोग अपने पेरेंट्स के बात को इग्नोर करते हैं। जब मैं घर पे होता था तो मेरी मम्मी बोलती थी कि क्या यार उठते ही फोन करने लगते हो, है ना, थोड़ा बहुत बाहर घूम लो, बाहर का एनवायरमेंट से थोड़ा रूबरू हो जाओ, थोड़ा एक्सरसाइज कर लो, सुबह का रोशनी लो, है ना। मेरी मम्मी ये बात बोला करती थी और मेरे को ऐसा लगता था ना यार कि क्या फालतू बात बोल रही, लेकिन नहीं, धीरे धीरे क्या हुआ ना कि आदत लग गया फोन को सुबह उठते ही चेक करने का। भैया किसका मैसेज है? अरे किसी का मैसेज नहीं है यार, किसी का मैसेज नहीं, तुम फालतू का फोन चेक कर रहे हो। तो भैया आपको क्या करना है, फोन को ना सुबह में यूज करना बंद करना है और नाइट में यूज करना बंद करना है। सुबह में उठते ही एटलीस्ट 2 घंटे तक फोन को नहीं छूना है और नाइट में सोने से पहले 2 घंटे तक फोन को नहीं छूना है। और ये चैलेंज है आपके लिए, आपको 2 घंटे तक फोन को नहीं छूना है सुबह और शाम में। एक्सेप्ट कर लो भाई चैलेंज, लाइफ में बहुत आगे चल जाओगे। अगर इसी के पीछे फंसे रह गए ना, तो ऑनेस्टली बता रहा हूँ बहुत पीछे रह जाओगे। डिस्ट्रैक्शन एक ऐसी चीज है जो आपके सपने को पूरा करने से रोक रही है। अगर आपको अपना सपना पूरा करना है तो भैया आपको डिस्ट्रैक्शन छोड़ना पड़ेगा एनी हाउ। अगर नहीं करोगे हमेशा हमेशा के लिए रिग्रेट होगा यार कि काश हम उस समय अपने आप को कंट्रोल कर लिए होते तो आज हम बहुत लोगों से आगे होते। और दूसरा चीज है, यूज लेस टेक्नोलॉजी, जितना हो सके आप टेक्नोलॉजी से दूर रहो। भैया अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप बुक्स पढ़ो अच्छे से, आप क्लियर करो। अगर कोई दोस्त है आपका तो उससे पूछो, अगर आपके पास टीचर है तो उससे पूछो, जितना कम हो सके टेक्नोलॉजी का यूज करो। और तीसरा पॉइंट है, पुट योर फोन अवे ड्यूरिंग स्टडी। आप अपने पढ़ाई के समय अपना फोन को थोड़ा दूर रखो। अब आप क्या बहाना दोगे, अरे भैया मेरा तो ऑनलाइन लेक्चर चलता है, ऑनलाइन लेक्चर करने वाले लाइक करे। अरे क्या है भाई ये सब फालतू चीजें, ये सब बहाना है। मैं बता रहा हूँ करना क्या है। देखो जो फोन है ना, अगर तुम इससे लेक्चर देखते हो ऑल गुड, आप लेक्चर देखो कोई बात नहीं, लेकिन जब लेक्चर नहीं देखते हो उस समय कम से कम साइड रखो ना, क्योंकि लेक्चर देखने समय तो आप लेक्चर देख रहे हो तो वहां पे कोई डिस्ट्रैक्शन होगा नहीं, लेकिन जब नहीं देखते हो उस समय उसको साइड रखो। मतलब मैं कहना आपको ये चाह रहा हूँ, जितना हो सके आप अपने फोन से कटआउट करो। और सबसे लास्ट में एक सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट तरीका बता रहा हूँ, 10 मिनट का रूल है। अगर मान लो आपको फोन यूज करना है, अगर मान लो कि आपको ऐसा लगता है कि आपके लिए फोन बहुत इंपॉर्टेंट है, या फिर कोई नोटिफिकेशन आ गया, कोई मैसेज आ गया, किसी का कॉल आ गया, अगर ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो उसको रिसीव करो, लेकिन अगर इंपॉर्टेंट नहीं है तो 10 मिनट का एक रूल होता है, आप 10 मिनट तक वेट कर लो, खुद को कंट्रोल करो, है ना, कम से कम 10 मिनट तक। देखो एक आदत तुम्हें धीरे धीरे बिल्ड करना पड़ेगा, 10 मिनट तक अपने आप को रोको और उसके बाद उस चीज को चेक करो। शॉर्ट टर्म स्टिमुलस से आपको दूर रहना है, क्योंकि ये जो शॉर्ट टर्म स्टिमुलस होता है ना, ये आपका फोकस को खत्म करता है। ये जो डोपामिन होता है ना हमारे बॉडी में रिलीज होता है, एक हैप्पीनेस का हार्मोन होता है, जिससे हमको थोड़ा बहुत अच्छा महसूस होता है, प्लीजर फील होता है, खुशी महसूस होता है, इन सब चीजों से आपको दूर रहना। जैसे कि आप फोन पे रील्स स्क्रॉल कर रहे हो, कुछ फनी वीडियोस देख रहे हो, किसी ब्लॉगर को फॉलो कर रहे हो, किसी अदर फालतू के कंटेंट क्रिएटर को फॉलो कर रहे हो, ऐसा कोई दोस्ती में आप हो जिसका कोई सेंस नहीं बनता आपके गोल से, तो ऐसे लोगों से आप दूर रहो। शॉर्ट टर्म स्टिमुलस इज किलिंग योर फोकस, शॉर्ट टर्म स्टिमुलस इज किलिंग योर फोकस, शॉर्ट टर्म स्टिमुलस इज किलिंग योर फोकस। यही चीज है जो आपके माइंड को डिस्ट्रैक्ट करता है, आपका फोकस को खराब करता है। ये जो सोशल मीडिया चीज होता है ना, सोशल मीडिया आपके फोकस को खराब, अगर तुम YouTube पे कोई वीडियो सर्च करते हो, Instagram पे कुछ वीडियो सर्च करते हो, या फिर किसी कैटेगरी का वीडियो आप देखते हो, तो क्या होता है यार कि ये जो एप्लीकेशंस होता है ना, आपको उस प्रकार का वीडियो और सजेस्ट करने लगता है। आप एक के बाद दूसरा, दूसरा के बाद तीसरा, तीसरा के बाद 14 आप वीडियोस देखने लगते हो। खुद के माइंड पे खुद कंट्रोल करो और शॉर्ट टर्म स्टिमुलस से दूर रहो, क्योंकि ये जो टेम्पोररी हैप्पीनेस होता है ना, आपको एक प्लेजर तो देता है, जिसके वजह से क्या होता है कि आप पेन सहना ही नहीं चाहते हो। यार देखो मैं एक एग्जांपल समझाता हूं कि अगर आपको कोई काम करना है, वो काम करने में आपका इंटरेस्ट नहीं आएगा, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको ये भी सिग्नल देगा कि भैया अगर आप इस काम को करने जाओगे तो आपको थोड़ा बहुत पेन होगा। उस पेन के चक्कर में क्या होता है कि आप उस काम को करते ही नहीं हो,
अपना लिमिट को पुश करते ही नहीं हो और आप ऐसा काम ढूंढ लेते हो जिसको करने में कोई पेन नहीं होगा। मतलब कि अगर आपको पढ़ाई करने के लिए बोला गया और आपका सबकॉन्शियस माइंड बोला भैया पढ़ाई एक ऐसा टास्क है जो कि बहुत बोरिंग है, बहुत पेन होगा, मत करो, इसमें बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन चाहिए यार, तुमसे नहीं होगा, और आप उस चीज़ को बंद करके फ़ोन उठा ली, फ़ोन में क्या हो गया, एक प्लीजर आपको मिल गया। तो भैया आपको ना एक टेम्पोररी प्लीजर से बहुत दूरी बनाना पड़ेगा, ठीक है। और तीसरा पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप अपने अकेलापन को खत्म करने के लिए फोन मत यूज करो। बहुत सारे बच्चे ये गलती करते हैं, अगर वो अकेला है तो फोन यूज करने लगता है। जब अकेला हो तो आप अकेला रहना सीखो थोड़ा बहुत, खुद से बात करो, क्योंकि डूइंग नथिंग इज फार मच बेटर देन यूजिंग फोन। तो जब आप अकेला फील करते हो उस समय आप फोन यूज मत करो। और चौथा पॉइंट है कि आप अपने लाइफ में कुछ प्रायोरिटीज सेट करो। बेस्ट वे टू अवॉइड डिस्ट्रैक्शन इज टू सेट योर प्रायोरिटी। अपने आप को इतना बिजी कर लो कि भैया डिस्ट्रैक्शन नाम की चीज आपकी लाइफ में हो ही ना। अब कैसे करोगे, देखो प्रायोरिटी सेट करने का मतलब क्या हुआ, मैं थोड़ा फनी एग्जांपल समझाता हूँ। देखो मान लो कि आप एक लड़की हो या फिर लड़का हो, ठीक है, आपको रिलेशनशिप में जाना है। आपने एक प्रायोरिटी सेट कर लिया है कि मुझे ऐसा लोग चाहिए जो दिमाग से अच्छा हो, मुझे शकल सूरत से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो आप ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट नहीं होगे, अगर कोई लोग आपको मिल गया जो दिमाग से अच्छा है ना, उसके साथ आप रिलेशनशिप में चले जाओगे। लेकिन मान लो कि आपके लाइफ में कोई प्रायोरिटी नहीं है कि आपको कैसा लोग चाहिए, आप बस ब्यूटीफुल लड़की, हैंडसम लड़का के चक्कर में हो, तो भैया आप हमेशा डिस्ट्रैक्ट होते रहोगे। आपको आज कोई और सुंदर लग सकता है, कल कोई और लग सकता है, ठीक है। तो इससे क्या होगा ना कि आप हमेशा डिस्ट्रैक्टेड फील करोगे। तो अगर आपको डिस्ट्रैक्शन को अवॉइड करना है तो आप एक प्रायोरिटी सेट करो कि मुझे ये करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि यार ये ज़माना कुछ ऐसा है ना, इस ज़माने में क्या है कि इतने फैंसी फैंसी चीज़ें हैं ना, है ना, अगर आप प्रायोरिटी सेट नहीं करोगे, आपको कभी लगा कि यार मुझे लाइफ में ऑडी चाहिए, बीएमडब्ल्यू चाहिए, ठीक है, और कभी लगा नहीं यार वो लैम्बोर्गिनी भी बहुत अच्छा कार है, हम वो भी ले सकते हैं। भैया ये काम आपका स्विफ्ट डिजायर से भी हो सकता है, ठीक है। तो आप अपना प्रायोरिटी सेट करो कि आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है। आप मान लो पढ़ाई करने के लिए बैठे, अभी आप बायोलॉजी पढ़ रहे हो, थोड़ा देर में थिंकिंग आया, अरे यार मेरा केमिस्ट्री छूटा हुआ है, अरे यार मेरा फिजिक्स छूटा हुआ है, वो भी पढ़ना है, यहाँ पे आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो। तो सुबह उठते ही आप एक प्लानिंग बनाओ कि मुझे आज ये पढ़ना है और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट हमारे लिए ये है और इसको पहले मुझे कंप्लीट करना है, और पूरे दिन में इसको कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करो। इससे क्या होगा ना कि अगर आपसे कुछ कंप्लीट नहीं होगा तो आपके ऊपर एक प्रेशर रहेगा, अरे यार मुझे करना है यार, मुझे कैसे भी पढ़ना है, नहीं मैं डिस्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, है ना, मैं फ़ोन यूज़ नहीं कर सकता क्योंकि मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है। अपने आप को बिजी रखो, जितना बिजी रखोगे उतना ज़्यादा तुम प्रोडक्टिव हो पाओगे। तो भैया ये फोर्थ पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट था, पूरे दिन को प्लान करो कि आज मुझे ये सारे काम करना है, मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट ज़्यादा है, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आपका डिस्ट्रैक्शन कम हो जाएगा। आप अपने दिमाग को ट्रेन करो, दिमाग को ये पावर मत दो कि दिमाग आपको ट्रेन करे, ऐसा नहीं। देखो मैं एग्जांपल समझाता हूँ कि अगर ये चीज़ आप कैसे करोगे, अगर मान लो कि आपको मसल बिल्डिंग करना है, बॉडी बिल्डिंग करना है, तो आप क्या करते हो, पहला दिन 20 मिनट एक्सरसाइज करते हो, नेक्स्ट डे 30 मिनट होता है, नेक्स्ट डे 60 होता है, धीरे धीरे प्रोग्रेस होता है, ठीक है। तो आप यही चीज़ आप करो ना, आपको अगर अपने दिमाग को ट्रेन करना है, देखो बॉडी को ट्रेन करने के लिए हम लोग एक्सरसाइज करते हैं लेकिन धीरे धीरे करते हैं प्रोग्रेस वे में, तो अगर आपको खुद के दिमाग को ट्रेन करना है तो भैया आपको भी ग्रेजुअली एक्सरसाइज करना पड़ेगा दिमाग का। देखो फोकस होने का प्रैक्टिस करो, आज आप पढ़े, आप खुद को टारगेट दो कि पहले हम 20 मिनट आज लगातार पढ़ाई करें, 20 मिनट अगर वो हो जाएगा तो फिर नेक्स्ट 30 मिनट कोशिश करेंगे, फिर वो हो जाएगा फिर 60 मिनट। एक ग्रेजुअल वे में क्या होगा कि एक समय ऐसा आएगा, एक महीना में एक समय ऐसा आएगा कि यार आप एकदम फोकस्ड होकर पढ़ाई करने लगो। जिम में ऐसा होता है कि जो ट्रेनर होता है ना हमारे, वो ट्रेनर क्या होते हैं, जब उनको दर्द होने लगता है, अरे यार अब नहीं होगा, तो नहीं नहीं तुम करो, तुम कर सकते हो, ऐसा बोलते हैं, वो बोलते हैं, वो पुश थोड़ा करते हैं। इससे क्या होता है कि हमारा लिमिट पुश होता है। तो भैया जब आप पढ़ाई कर रहे हो, जैसे 20 मिनट पढ़ने के बाद तुम डिस्ट्रैक्ट होने लगे, अरे यार अब मेरे से पढ़ाई नहीं हो पाएगा, फोन की तरफ आप भाग रहे हो, आप खुद को रोको, स्टॉप योर सेल्फ, खुद के लिमिट को पुश करने की कोशिश करो, और इसी प्रकार से आपका ब्रेन जो ट्रेन होगा। इफ यू फील पेन देन यू विल गेन, अदरवाइज नो गेन। अब मैं आपको बता रहा हूं, ये 10 दिन का एक चैलेंज है, जो चैलेंज को मैं चाहता हूं कि एक एक बच्चा एक्सेप्ट करे, और इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप लिखोगे
कि भैया अगले 10 दिन मैं एक एक चीज को फॉलो करूंगा। तो सबसे पहला तो बात यही है कि अभी पीछे जो मैंने 5 पॉइंट आपको बताया, वो पांचों के पांचों पॉइंट को आप ऑनेस्टली ईमानदारी से एक एक पॉइंट को अगले 10 दिन तक फॉलो करोगे और मुझे रिजल्ट बताना, मुझे एक एक बच्चा रिजल्ट बताना कि भैया मेरे अंदर ये इंप्रूवमेंट हुआ इस पॉइंट को फॉलो करने के बाद। सबसे पहला है कि आइडेंटिफाई योर बिगेस्ट डिस्ट्रैक्शन। आपके लाइफ का सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन क्या है? हो सकता है कि वो फोन होगा, हो सकता है कोई पर्सन होगा, हो सकता है कोई दोस्त होगा तुम्हारा, हो सकता है कोई ब्लॉगर हो सकता है, हो सकता है तुम्हारा कोई कंटेंट क्रिएटर होगा। इन सारे को पॉइंट आउट करो और इसमें तुम्हारा बिगेस्ट डिस्ट्रैक्शन क्या है उसको एक एक करके अवॉइड करने की पूरी कोशिश करना है। कैसे होगा? तो सबसे पहले आपको एक लिस्ट बनाओ, भैया ये हमारे लाइफ का एक डिस्ट्रैक्शन है, इसको मुझे हटाना है तभी हम सक्सेसफुल हो पाएंगे। एक लिस्ट बना लिए, वर्क ऑन इम्प्रूवमेंट, फिर आपको इम्प्रूव करना है, ठीक है। नेवर लूज योर फोकस, ये एक डेली की चैलेंज के रूप में, जब आप पढ़ाई कर रहे थे आप उस समय पढ़ाई करोगे, है ना, आप अपने फोकस को खराब मत करोगे। मान लो कि आप पढ़ रहे हो और पढ़ते समय कोई मैसेज आ गया, फिर मैंने आपको 10 मिनट का रूल बताया था, 10 मिनट तक आप उसको चेक नहीं करो। ऑलवेज रिव्यू योर एक्शन, जब भी आप कोई काम करते हो तो आप अपने काम पे थोड़ा नजर रखो। मान लो कि आप कोई काम कर रहे हो, फोन पे ही काम कर रहे हो, आप देखो कि ये जो काम आप कर रहे हो क्या ये काम आपके लाइफ के गोल्स को अचीव करने में मदद कर रहा है, क्या ये एक्टिविटीज आपके गोल को अचीव करने में मदद कर रहा है। अगर आंसर आता है यस तो ठीक है, अगर आंसर आता है नो तो भैया कट आउट करो वहां से। फीड योरसेल्फ विद पॉजिटिविटी, जितना ज्यादा आप खुद के माइंड को पॉजिटिव थॉट से फीड करोगे उतना ज्यादा आप पूरे दिन पॉजिटिविटी के घेरे में रहोगे, आपको निगेटिव थॉट्स नहीं आएगा, क्योंकि निगेटिव थॉट्स इज वन ऑफ द मोस्ट बिगेस्ट डिस्ट्रैक्शन फॉर मॉडर्न स्टूडेंट्स। निगेटिव थॉट क्या है कि भैया अरे यार मेरे सिलेक्शन नहीं होगा, यार मैं नहीं कर सकता हूँ, मेरे से नहीं हो पाएगा, मैं टॉपर नहीं हूँ भैया, ये निगेटिव थॉट है, इसके वजह से आप पढ़ाई नहीं कर पा रहे। खुद को पॉजिटिविटी से घेरना है, हाँ यार मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ, क्यों नहीं कर सकते भैया, जब ये कर सकते मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ। आपको पॉजिटिविटी देना, अपने कंफर्ट जोन से बाहर आओ, एक दिन उठ के देखो सुबह, पढ़ाई करके देखो कैसे नहीं होता है पढ़ाई, दुनिया बहुत मेहनत कर रही है, आपको ऐसा लग रहा है भैया कि आप 6 घंटा पढ़ रहे हो वो भी सही से नहीं पढ़ रहे हो और ड्रीम बना रखे हो मुझे ये कॉलेज में जाना है, नहीं होगा, सच बता रहा हूं नहीं होगा, कुछ भी नहीं हो पाएगा तुमसे अगर ऐसा ही चलते रह गया तो। 10 डेज का चैलेंज, एक एक बच्चा को फॉलो करना है, फिर से बता रहा हूँ एक एक बच्चा को फॉलो करना है, नहीं तो ये चैनल को अनसब्सक्राइब करके चले जाओ। मुझे ऑनेस्ट बच्चे चाहिए जिसको सच में लाइफ में कुछ अचीव करना है, अनवांटेड लोग मुझे नहीं चाहिए। कम आउट ऑफ कंफर्ट जोन, अपने कंफर्ट जोन से आज के आज बाहर निकल जाओ भैया, टेम्पोररी हैप्पीनेस से तुम्हारा लाइफ नहीं चलने वाला है आगे। जब आप कुछ सही करते हो, जब आप कुछ अच्छा करते हो या फिर आप अपने पढ़ाई पे फोकस करते हो तो देयर आर लॉट्स ऑफ पीपल अराउंड यू जो आपको रोकने की पूरी कोशिश करते हैं और दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट बिगेस्ट सोर्स ऑफ डिस्ट्रैक्शन। इससे आपको खुद को दूर रखना है, आप उसको ब्लॉक कर सकते हो, अनफॉलो कर सकते हो, अवॉइड कर सकते हो, कॉन्टेक्ट आप खत्म कर सकते हो। इससे आपको दिखेगा कि हाँ यार कुछ अब ग्रोथ मेरे अंदर आया। आप अपने दिमाग पे सेल्फ कंट्रोल रखो। तो अभी मैंने आपको ये 10 डेज का जो चैलेंज दिया, आई वॉन्ट कि आप एक एक बच्चा जो अभी इस वीडियो को यहां तक देखे हो आप फॉलो करोगे। नीचे कमेंट सेक्शन आपका है, आप यहाँ पे लिखो कि इसमें से कौन कौन सा पॉइंट ऐसा था जिससे आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे थे और अगले 10 दिन में इसको आप कंट्रोल करोगे। आप ये वीडियो को वैसे सारे लोगों के साथ शेयर करो जो अपने लाइफ में डिस्ट्रैक्टेड है, क्योंकि मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, मैं बस इतना चाहता हूँ कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो अपने लाइफ में डिस्ट्रैक्टेड है, उनको कुछ पाथ दिखे, कुछ आइडिया मिल जाए ताकि वो अपने गोल ओरिएंटेड काम कर पाए, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। अगर आपको लगता है कि मेरा चैनल आपके लिए हेल्पफुल है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच।